अब कोई आदमी साड़ी पहनना चाहिए, साड़ी पहन करके हिट हुआ। ए हिजड़ा के औलाद बोल रहा है कि साड़ी पहन के सुपर डुपर स्टार बन गया है, तो तू भी पहन के साड़ी पहन के सुपर डुपर स्टार बन जा। और एक कहता है संतोष पागल माधर चौधरी, एक कहता है कि नाम हिट हुआ, नाम मसूरी रख ले, चुन्नी भूसी रख ले, तो रहड़ी रख ले, नहीं समझे नाम अपना दाल खाने वाला और खेसारी खाने वाला, तो सर्च करता है ये चालूबाजी से स्टार बना है। तो तू माँ चुदाने के लिए तू भी नाम चेंज करके बन जा स्टार, खेसारी को बोल रहा है और बहुत कुछ बोला है। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अब भोजपुरी में कौन सा लोग लौंडा डांस नहीं किया है? ये माधरचुत को, संतोष पागल को, हिजड़ा को, पवन सिंह नहीं किया है? इस वीडियो में बताऊंगा कितना सच्चाई कितना गलत है। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। मेरा नाम अजय ठाकुर, आप देख रहे हैं अजय भोजपुरी और स्टोरी भोजपुरी चैनल पे आपको स्वागत करते हैं। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अब आपको बताते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन विवाद क्यों करता है ये लोग। अपने मन से किसी बाप को, किसी को तारीफ कर देना, किसी को बुराई कर देना, और ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन सा लोग डांस लौंडा डांस नहीं किया है? ऐसे सभी कलाकार किए, मगर ये संतोष पागल, ये म्यूजिक डायरेक्टर है, इसको शायद हिजड़ा को पता ही नहीं है। और खेसारी लाल यादव को बोलता है ये चालूबाजी से स्टार बना है, तो तुम्हारी माँ की औकात है तो तू भी चालूबाजी से स्टार बन जा, बहुत बड़ा सिंगर बन जा, बहुत बड़ा स्टार, सुपर डुपर स्टार बन जा। और ये खेसारी लाल यादव को बोलता है कि साड़ी पहन के, अब कोई आदमी साड़ी पहनना चाहिए, साड़ी पहन करके हिट हुआ के सुपर डुपर स्टार बन गया है, तो तुम्हारी गांड में मिर्ची क्यों लग रहा है रे साला? तू भी सुपर डुपर स्टार बन जा, या तो बेटी को ही कर दे सुपर डुपर स्टार तू अपना। तो माँ चुदाने के लिए खाली बोलता है कि चालू से बना है, चालू से साड़ी पहन के सुपर डुपर स्टार बन गया है। और ये बोलता है कि कोई अपना नाम रख ले, खेसारी लाल यादव को बोलता है कि कोई नाम रख ले कि तीसी मसरू दाल रहड़ वाला, तो कोई भी बंदा सर्च करता है, तो सर्च करता है तो पहले तू अब चुन्नी भूसी रख ले, तो रहड़ी रख ले, नहीं समझे नाम चेंज करके, नाम है शत्रु अपना भी नाम चेंज करके, और तू भी सुपर डुपर स्टार बन जा, सिंगर बन जा, गायक बन जा। ये संतोष पागल हिजड़ा है माधर चौध को, इसको मारना चाहिए, बहुत मार मारना चाहिए, क्योंकि ये माधर चौध इस तरह से बयान दे रहा है, ये हर हर चीज में घुसता है। आपने देखे होंगे कि ज्योति के मामला में भी घुसा था, अभी खेसारी लाल यादव और पवन के मामला में भी घुसता है, बिना धक्का मुक्की करने का मारो तो उलट जाएगा ये। और ये बोलता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी लौंडा डांस नहीं किया है। और लौंडा डांस कौन नहीं किया है इसके बारे में मैं बताता हूँ। लौंडा डांस पवन सिंह नहीं किया है, इस संतोष पागल को, हिजड़ा को पता नहीं है कि लौंडा डांस कर कर के बॉलीवुड में कितना बड़ा नाम, चेहरा है, हस्ती बना लिया है। तो पहले मैं भोजपुरी की बात करता हूँ कि भोजपुरी में कौन सा लौंडा डांस नहीं किया है। पवन जी बता दीजिए कि साड़ी पहन के हिट हुए हैं? नहीं, पवन सिंह नहीं किया है। पवन सिंह मोनालिसा के साथ में डांस किया है, पवन सिंह मोनालिसा के डांस किया है। और मैं आपको बताता हूँ, पवन सिंह और मधु शर्मा का योद्धा फिल्म देखा है? ऐसे कई कई फिल्म है जो पवन सिंह लौंडा का डांस भी किया है। बाकी अपना जीजा को तारीफ कर देना गलत है, तो अपना जीजा को बोलेगा कि मेरा जीजा चालू से नहीं बना है सुपर स्टार, तो ये हो ही नहीं सकता है। ऐसा जिंदगी में कौन सा है कि नहीं चालू से सुपर डुपर स्टार बना है? अपनी कैरियर में कौन सा व्यक्ति है? वो खेसारी लाल यादव साड़ी पहन लिया तो गलत है, वहीं पवन सिंह पहनता तो अच्छा नहीं है, अच्छा है, खेसारी लाल यादव गलत है ना। ये संतोष पागल है और पागल डायरेक्टर में जो डायरेक्टर अपने आप को कहता है, यहाँ तक इसको कोई नहीं पूछने आता है, और ये ऐसा शब्द के प्रयोग करता है, ये हिचड़ा को बहुत मारना चाहिए, गोड़ हाथ बांध के मारो, थपथपा दो, बाय।